हाय गाइस, तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम अपने हुक की कंडीशनिंग कैसे बेटर करें। ठीक है, अभी तुम हम सब क्या करते हैं, बेसिकली सोचते हैं बिगनर्स की जिम में वर्कआउट मार के बाइसेप मार के हमारा ना हुक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन हुक के लिए ना कुछ सर्टन स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारी कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका साइड प्रेशर हो गया, आपकी कपिंग हो गई, आपका साइड प्रेशर विद कपिंग हो गई। ठीक है, और कभी कभी हम एक चीज़ हम मिस करते हैं सबसे ज़्यादा, हम डिफेंसिव ट्रेनिंग नहीं करते। हमारा हाथ डिफेंसिव में चला जाएगा लेकिन हमारा हाथ खुलता चला जाता है ना, हम कभी वो चीज़ ट्रेन नहीं करते। तो अब हम इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें कवर कर पाएं। अब तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें साइड प्रेशर कैसे ट्रेन करना है। अब हम साइड प्रेशर क्यों ट्रेन करेंगे, बेसिकली सबसे पहले साइड प्रेशर हमें इसलिए ट्रेन करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि देखो हमारा सेंटर में हुक बन गया। ठीक है, अब हुक बनने के बाद सबसे ज़्यादा लड़के मेजर इशू क्या फेस करते हैं, वो कहते हैं भैया हमारा हुक बन जाता है लेकिन हम ना साइडवेज नहीं जा पाते, हमारा हुक बन गया लेकिन हम जीत नहीं पाते, आगे जाके हम पिन नहीं कर पाते। यहाँ पे जाके वो ऐसे ऐसे तुम करते रहते हो, लेकिन तुम आइडियली गलती कहाँ करते हो, तुम अपनी एल्बो नहीं मूव करते। ठीक है, वो एल्बो कैसे मूव होगी जब तुम साइड प्रेशर ट्रेन करोगे एल्बो ड्रैग के साथ, है ना। अब और एल्बो ड्रैग के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि हमें अपना कप भी करना है ताकि तुम्हारा रेडी गो ही स्ट्रांग हो जाए इतना कि तुम्हें वो मूवमेंट पे यहाँ पे रुकने की दिक्कत ही ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें अपनी टेबल लेनी है। अभी देखो मेरी टेबल है ना, मेरी पुली बिल्कुल टेबल के सामने है। ठीक है, कभी पुली ना सामने नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम कभी यहाँ से नहीं खेलोगे, यहाँ पे तुम्हें अपनी पावर एक्सर्ट ही नहीं कर पाओगे जीरो एंगल से ना। तो तुम्हें टेबल थोड़ा सा डायगनल लगाना अपना, ये थोड़ा सा डायगनल। अब देखो अब मेरी पुली, ये मेरा स्ट्रेट एंगल है ना, ये मेरी पूरी डायगनल होगी। ठीक है ना, ये देखो ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे मैं स्ट्रेट हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा हाथ थोड़ा सा डायगनल है, थोड़ा सा मेरे डिफेंसिव एंगल पे आ गया। ठीक है, अब इसको साइड प्रेशर को मारना कैसे है, साइड प्रेशर बेसिकली तुम्हें बहुत काम आएगा अगर तुम हुक के प्लेयर हो। टॉप रोलर्स को भी साइड प्रेशर बहुत काम आता है लेकिन मेजरली हुक के प्लेयर के लिए तो मेन उनका गेम ही पूरा साइड प्रेशर का होता है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा अपना स्टांस लेना जिसमें तुम खड़े होते हो। कभी कभी लड़के कभी कभी न्यू प्लेयर्स क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, साइड प्रेशर मारना चालू कर देते हैं, है ना, यहाँ से मारते हैं, लेकिन गेम कभी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, गेम हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ से मैंने पुली तुम्हें डैंगल लगाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि कभी भी तुम जब खेलोगे ना, कोई सामने वाला प्लेयर भी जीतने आया है वो तुम्हें कभी सेंटर में खेलने ही नहीं देगा, वो भी तुम्हें थोड़ा खींच के रखेगा, है ना। अब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जब भी आप हुक खेलो सेंटर में तो आपको हमेशा हल्का सा साइड प्रेशर लगा के खेलना है। ठीक है, तो उस अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले हुक वाली वीडियो देख लो उसको, उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी, फिर आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें साइड प्रेशर लेना है। ठीक है, हल्का सा ये वाला, हल्का सा ये वाली मूवमेंट लगा के रखनी है वेट पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पहले आपने कप करना है, फिर एल्बो को यहाँ से पूरा एज ऑफ द पैड तक ड्रैग करके पूरा बॉडी पे डालना है इस पे ऐसे साइड। अब ठीक है, अब देखो अगर मैं पैड लगाता हूँ, मैं अपना पैड लगाता हूँ, अगर मेरे पैड के अकॉर्डिंग मुझे इधर पिन नहीं करना ना, मुझे सेंटर में पिन करना है। हुक के प्लेयर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो पिन ना इधर अंदर करे, अंदर ये वाली मूवमेंट पे, ये मूवमेंट पे। अगर तुम यहाँ पिन करने की ट्राई करोगे तब जाके तुम थोड़ा डोमिनेंट खेल पाओगे ओपोनेंट को, है ना। ठीक है, अब साइड प्रेशर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तुम्हारा लैट कनेक्शन, तुम्हारा पेक्टोरियल कनेक्शन। तुम ऐसे करके खेलोगे ना तो तुम्हें साइड मारेगा तो तुम्हारे हाथ टूटने के भी चांसेस रह जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हारा शोल्डर, तुम्हें पूरा कनेक्टेड रखना है, ऐसे नहीं खेलना कभी भी शोल्डर। प्लेयर्स क्या करते शोल्डर ऐसे ड्रॉप करके खेलते हैं, नहीं, शोल्डर हमेशा ऐसे हल्का स्ट्रक करके खेलना है। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक करके शोल्डर, तुम्हारा लैट, है ना, तुम्हारे ट्राइसेप, पूरा एंगल तुम्हारा कनेक्टेड है ना, फिर तू जब खेलोगे तुमने ग्रिप ली, कप किया, ड्रैग। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पहली चीज़ साइड प्रेशर। ठीक है, अभी अभी तो हमने नॉर्मल साइड प्रेशर मारा ना, अब एक चीज़ होगी साइड प्रेशर, तुम ऐसे नॉर्मल हैंडल पे ना ग्रिप लगा के, ग्रिपर लगा के इससे भी तुम साइड प्रेशर ट्रेन कर सकते हो। इससे तुम्हें थोड़ा प्रॉपर हैंड वाली फील आएगी, है ना, इससे तुम्हारी फिंगर्स भी थोड़ी ट्रेन हो जाएगी। इसमें भी सेम चीज़, कप ट्रैक पिन, कप ट्रैक पिन, 1 2 3 बना लो अपना। ठीक है ना, देखो 1 2 3, अब 1 2 3 साथ में करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, बस ये मूवमेंट रहेगी। ठीक है, अब एक ये साइड प्रेशर हो गया। अब कुछ प्लेइंग स्टाइल लोगों का अलग होता है, ये तो शॉर्टेस्ट वे कवर करना हो गया, सीधा पिन करना। अब कुछ लोगों का होता थोड़ा डोमिनेंट तरीका होता है खेलने का, उनका अपना प्लेइंग स्टाइल है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, पहले कप फिर ड्रैग। देखो कप ड्रैग, कप ड्रैग, कप
ट्रैक, तुम इसको इसको भी तुम अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो आर्म स्ट्रेंथ के वर्कआउट में। अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी रिस्ट भी ट्रेन हो रही है कपिंग भी, और तुम्हारा एल्बो ड्रैग भी ट्रेन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है तुम्हारा कप बन जाता है, अब तुम्हारे इक्वलेंट ओपोनेंट है उसका भी साइड प्रेशर तुम्हारे बराबर है। तो इसमें गेम चेंजिंग पॉइंट कहाँ क्या होता है कि तुम्हारी एल्बो प्लेसमेंट कहाँ है पैड पे, है ना। तुम यहाँ से लगाओगे और ओपोनेंट की एल्बो पूरी पीछे, तो आइडियली होगा क्या तुम्हारी आर्म ओपन होती रहेगी, तुम्हारे बाइसेप फटीग होते रहेंगे, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्लोज रहना है, कब करना है। अगर तुम इस मूवमेंट पे नहीं जा पा रहे पहली वाली पे, तो तुम्हें फील हो जाता है कि तुम लेके जा पाओगे ही नहीं। तुमने पहला हिट ट्राई किया नहीं हुआ, फटाफट अपनी पोजीशन रीगेन करो, फिर धीरे 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 अपने लैट से जो हम रोइंग मारते हैं ना वो वाली मूवमेंट से एल्बो ट्रैक करो पहले अंदर, जब कंट्रोल में आ जाओगे ना उसके बाद देन गो फॉर साइड प्रेशर। तो ये सेकेंड वे हो गया अपना साइड प्रेशर अप्लाई करने का। इस वीडियो का जो ये एक अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, कभी कभी क्या होता है आपका हुक बन जाता है ना, लेकिन ओपोनेंट की साइड प्रेशर इतनी ओवरवेलमिंग होती है आपके, या फिर साइड प्रेशर कह लो या उसका रेडी गो, जो उसका रेडी गो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है ना कि आप उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप रिएक्ट नहीं कर पाते। तो उस रिएक्शन मतलब आपका स्लो रिएक्शन की वजह से ना आप थोड़ा सा अपना सेंटर लूज कर देते हो, तो आपका क्या होता है आपकी बाजू यहाँ है, आप क्या हमें आप यहाँ आ जाते हो इस मूवमेंट पे, यहाँ पे थोड़ा सा बाइसेप पे आ जाते हो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से आप विनिंग पे ही जाओगे, हम कोई इतने वो ना हनुमान जी नहीं हम कि हर बार हम विनिंग पोजीशन पे ही जाएंगे। हमेशा हमें अपने डिफेंस को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, मेरे को भी कोई अगर तेज खेलने वाला लड़का आ जाता है जो मेरे से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग करके, ऑब्वियसली वो मेरे को साइड प्रेशर मारता है, मेरी बाजू खुल जाती है। मेरी पुरानी वीडियोज में आपने देखा भी होगा, मैंने डाली है रील में अपनी इंस्टाग्राम पे, वो मेरी बाजू इतनी खुल जाती है। लेकिन इसके आगे क्यों नहीं जाती, इसके आगे इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं अपने डिफेंस भी ट्रेन करता हूँ, है ना। अब जिस बंदे का ऑब्वियसली मेरे से अटैक अच्छा होगा वो मेरे डिफेंस को भी तोड़ता चला जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने डिफेंस ही ना ट्रेन करूँ, ठीक है। तो अब डिफेंस ट्रेन कैसे करना है, बातें तो सारी हो गई, अब मेन चीज़ पे आते हैं। डिफेंस ऐसे ट्रेन करना है, अब देखो मेरा टेबल है, मेरा टेबल बिल्कुल डायगनली लगा हुआ है, ठीक है। मेरा पिन होता है इधर, इधर पिन होगा मेरा हाथ, ठीक है। अगर मेरा हाथ इधर पिन हो रहा है तो मेरे को उसी एंगल पे पुली लगानी है। मेरी पुली देखो बिल्कुल नीचे नहीं है, टेबल के बिल्कुल थोड़ी सी नीचे है। सेम अगेन मैंने फैट ग्रिप ले रखी है ताकि मेरे पाम का भी वर्क हो, मेरी रिस्ट कंटेनमेंट में भी काम आए, ठीक है। पहले हमेशा फ्री वेट पे लगा के तुम पुली पे चेक करो, ये नहीं कि सीधा लगा के वेट मारने लग गए, पहले फ्री वेट पे लगा के देखो कि तुम्हारा एंगल आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे एंगल्स अलग है, तुम्हारे एंगल अलग हो सकते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डिफेंस कैसे ट्रेन करना है ना। अपना एंगल खुद ढूंढो बेसिकली सबसे जरूरी है, कोई तुम्हें कुछ दिखाता है बिलीव मत करो, पहले उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो कि तुम्हारे वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अब डिफेंस ट्रेन कैसे करना है, देखो ऑब्वियसली देखो जब मेरे को हुक पड़ेगा तो मेरी बाजू इधर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ है ना, अब मैं ऐसे नहीं हूँ, यहाँ पे देखो मेरी आर्म खुली नहीं हुई है, इसको यहाँ ट्रेन करना है ऐसे। देखो रेडी गो हुआ, रेडी गो हुआ, प्रेशर पड़ा, बाजू खुलेगी ऐसे, यहाँ खुलेगी, है ना। ये देखो इस एंगल पे यहाँ पे, तो तुम्हें यहाँ पे देखो यहाँ पे रोकना आना चाहिए, यहाँ पे आ गया हाथ, यहाँ पे रोक लो, यहाँ पे आया, यहाँ पे शोल्डर लगाओ, अब यहाँ पे होल्ड करने की ट्राई करो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब यहाँ से पिन उठाना कैसे है, अब देखो मेरी रिस्ट भी बिल्कुल सीधी है और मेरी रिस्ट भी नीचे है, डिफेंसिव पे है, मेरे बाइसेप पे आ रहा है अभी, मैं ऐसे होऊंगा तो मेरे बाइसेप पे आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या करनी, जब तुम डिफेंसिव एंगल ट्रेन करोगे तो अपना शोल्डर पास लेके जाना है, अपना लैट इन्वॉल्व रखना है, ठीक है। एल्बो जैसे मान लो मेरी आ गया है, सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कप करूँगा, ठीक है, कप करके अपना शोल्डर लगा के रखूंगा ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा, यहाँ पे डिफेंसिव एंगल में तुम्हें बेसिकली स्टैटिक होल्ड्स ज़्यादा करने हैं ताकि तुम्हारी एंड्योरेंस बने, ठीक है। अभी एंड्योरेंस पे भी तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ उसके बाद, एंड्योरेंस बनेगी, तुम्हारा जो फ्लेक्सर है ना वो फटीक होने लगेगा, तुम होल्ड करो, अभी एंड्योरेंस बनाओ, जब तुम्हें लगे तुम फटीक होने लग गए फिर अपना शोल्डर को आगे लाओ, बॉडी थोड़ी सी रोटेट करो, फिर धीरे 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 सेंटर में लाओ। सेंटर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है पुश करके, नहीं तो फ्लेक्सर में इंजरी आ जाएगी, ठीक है। अभी मेरे को वीडियोस में मेरी कमेंट आ रहे थे मेरे को कि भैया हम खेलते हैं हम फटीक हो जाते हैं, भाई तो तुम लोग फटीक बेसिकली इसलिए होते हो कि तुम रैप ट्रेनिंग तुम्हें हर कोई बोल देता करने को, तुम से एक रैप दो रैप तीन रैप बीस रैप तीस रैप मार लेते हो, ठीक है, लेकिन स्टैटिक होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखो मैंने स्टैटिक होल्ड किया, मेरी दोनों बाजू में फर्क देखो, सिर्फ स्टैटिक होल्ड करते ही मेरा फ्लेक्सर पंप हो गया, देखो मेरा पूरा फ्लेक्सर पंप हो गया, क्यों, मैं डिफेंसिव पे होल्ड कर रहा था ना, आ रही एक्सर्शन मेरे मसल पे, मेरे मसल को आदत हो रही है उस बेल्ट को होल्ड करने की, है ना। तो तुम पुली पे जब स्टैटिक होल्ड करोगे, यहाँ पे सेंटर पे भी होल्ड करो, यहाँ पे विनिंग पोजीशन पे भी होल्ड करो, अपने डिफेंस पे भी होल्ड करो, तो तुम्हारा जो हैंड कंट्रोल है ना इतना जबरदस्त हो जाएगा ना कि तुम मैच में बंदे को रोक के खड़े हो जाओगे, तुम उसको पूछ लोगे भाई अभी चलूंगी कब चलूंगी, उसको पूछ लोगे, तुम इतने डोमिनेंट हो जाओगे। डोमिनेंट खेलना है, कोई भी तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल है, तुम्हारा टॉप रोल है, तुम फ्लॉप प्रेस मारते हो, तुम शोल्डर प्रेस मारते हो, तुम हुक खेलते हो, तुम हाई हुक खेलते हो, तुम किंग्स मूव खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, उसमें स्टैटिक होल्ड करना बहुत जरूरी है। स्टैटिक होल्ड करोगे तो तुम्हारी बेसिकली एंड्योरेंस बहुत टॉप लेवल हो जाएगी।
तो अभी इस टॉपिक के साथ हम हुक का बेसिक, जो एक बेसिक वर्कआउट है, हुक का बेसिक वर्कआउट कंक्लूड करते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आगे फिर हुक की और भी वीडियोज लाएंगे, और मेरे को कमेंट में बता देना कि टॉप रोल की वीडियो बनानी कि नहीं बनानी। थैंक यू।